Good morning, my dear students. In today's class, we are going to start our second chapter, that is addition. क्या पढ़ेंगे आज हम? Addition. Yes, जब हम किन्हीं दो numbers को add करते हैं, हम कुछ rules follow करते हैं. Yes. So इसी तरीके से आगे हम जब addition सीखने वाले हैं, उसमें कुछ facts के बारे में जानेंगे. उनको क्या बोला जाता है? Addition facts. क्या बोला जाता है उनको? Addition facts. Now let us start with fact number one. Yes. Now you can see here, when we add zero to a number, we get the same number as the sum. यानी जब हम किसी भी नंबर में जीरो ऐड करते हैं तो हमें सेम नंबर मिलता है. कैसे? लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल. जैसे मैंने लिया 543. यस, मैंने एक नंबर लिया 543. मैंने इसमें क्या ऐड किया? जीरो ऐड किया. क्या ऐड किया? जीरो ऐड किया. तो मुझे कितना नंबर मिलेगा? यस, 543. सेम नंबर. जीरो की वैल्यू तो जीरो होती है, मतलब नथिंग. सो 543 को अगर मैं जीरो में ऐड करती हूं तो मुझे सेम नंबर मिलेगा. वही नंबर मुझे सेम मिलेगा. यस. नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं. यस, लेट्स टेक 0 + 981. जीरो को मैं ऐड कर रही हूं 981 में, तो मुझे कौन सा नंबर मिलेगा? यस, यू कैन टेल मी. यस, 981. आई गेट 981, द सेम नंबर. मुझे वही नंबर मिलेगा क्योंकि जीरो से इसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. यस. सो अगर हम किसी भी नंबर में जीरो ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है. यस. नाउ मूव टू द सेकंड फैक्ट. यस, फैक्ट नंबर टू. एडिंग 1 टू अ नंबर गिव्स अस द सक्सेसर ऑफ द नंबर. अगर किसी भी नंबर में हम 1 ऐड करते हैं तो हमें उसका सक्सेसर मिलता है. सक्सेसर का मतलब मैंने बताया था, द नेक्स्ट नंबर. यस, उस नंबर का अगला नंबर. जैसे फॉर एग्जांपल, आई टेक 543 अगेन. यस, अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूंगी, अगर मैं इसमें 1 ऐड करती हूं तो मुझे क्या मिलेगा? सक्सेसर ऑफ दिस नंबर इज 544. तो 543 में अगर मैं 1 ऐड करती हूं तो मुझे 544 मिलता है, द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर. यस. नाउ टेक्स एन अनदर एग्जांपल. आई टेक अ नंबर लाइक 631. अगर मैंने लिया 631 और मैंने इसमें 1 ऐड किया. यस, मैंने लिया 631. आई ऐड 1 टू इट. Yes, now what I get? The successor of this number, that is 632. अगर किसी नंबर में 1 ऐड किया जाता है तो जो हमें सम मिलता है, तो जो नंबर मिलता है वो इस नंबर का सक्सेसर होता है, इस नंबर का नेक्स्ट नंबर होता है. Yes, I hope you can understand this point. Yes. Now move to the fact number 3. Now fact number 3 क्या कहता है? Even if the order of number being changed in addition, अगर addition करते समय अगर numbers का order change हो जाता है, the sum remains the same. उसके बाद भी जो उनका addition करके जो sum आता है वो same रहता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑर्डर प्रॉपर्टी. इसको हम ऑर्डर प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर. यस, सो आई टेक अ नंबर 540. मैंने क्या लिया? 540. मैं इसमें क्या करती हूँ? 120 एड करती हूँ. क्या करती हूँ? 120 एड करती हूँ. तो मेरा टोटल कितना होगा? 0, 4 + 2, 6, 5 + 1, 6, 660.
540 में अगर मैं 120 ऐड करती हूँ तो मुझे नंबर मिलता है 660. यस. नाउ अगर मैं इस नंबर को पहले ले लेती हूँ, लाइक 120 प्लस इस नंबर को सेकेंड नंबर पे लेती हूँ 540, सो क्या मेरा सेम सम आएगा? यस. 0 0, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 1 6, आई गेट द सेम नंबर. इस फैक्ट नंबर 3 का मतलब होता है अगर मैं इन नंबर्स के ऑर्डर चेंज कर दूं, इसको पहले इसको सेकेंड नंबर पे रख दूं, तो भी मेरा क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो सेम आएगा. क्या आएगा? सेम आएगा. यानी इनके नंबर्स के ऑर्डर से सम पर कोई इफेक्ट नहीं होगा. यस. आई होप यू वुड अंडरस्टैंड दिस बेटर. लेट्स मूव टू फैक्ट नंबर 4. यस. नाउ इफ 3 नंबर्स आर एडेड टेकिंग आइदर द फर्स्ट 2 नंबर्स एंड एडिंग देयर सम्स टू 3rd नंबर और टेकिंग द लास्ट 2 नंबर्स एंड एडिंग देयर सम टू द फर्स्ट नंबर डज नॉट चेंज द सम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रुपिंग प्रॉपर्टी. नाउ ये बहुत बड़ा हो गया. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल हियर. यस. नाउ ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. इस फैक्ट का कहने का मतलब ये होता है अगर मेरे पास कोई 3 नंबर है, लेट्स 21 प्लस 14 प्लस 10, मुझे इन 3 नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है. क्या करना है? ऐड करना है. सो इसका ये मतलब होता है अगर मैं पहले 21 प्लस 14 इन दोनों को पहले ऐड कर लेती हूँ, उसके बाद मैं क्या करूंगी, 10 को ऐड कर लूंगी. यस. सो 21 प्लस 14 कितना होगा? 35. देन आई ऐड 10. सो मेरे पास कितना हुआ, 10 प्लस 35 45. ये इजी रहा, मैंने 2 नंबर्स को पहले ऐड कर लिया, फिर 3rd नंबर उसके सम में ऐड कर दिया. यस. नाउ अब मैंने क्या किया, मैंने पहले 2 नंबर्स को ग्रुपिंग कर ली थी, अब मैं लास्ट के 2 नंबर्स को ग्रुपिंग करती हूँ, लाइक 21 प्लस 14 प्लस 10. यानी मैंने पहले फर्स्ट 2 नंबर्स को ग्रुपिंग किया था, अब मैं लास्ट के 2 नंबर्स को क्या कर रही हूँ, ग्रुपिंग कर रही हूँ. यस. नाउ 21 प्लस 14 प्लस 10 कितना होगा, 24. 21 प्लस 24 कितना हो गया, 45. यस. इस प्रॉपर्टी नंबर 4 यानी फैक्ट 4 का मतलब था कि अगर मैं किन्हीं 3 नंबर्स को ऐड करती हूँ, अगर मैं पहले किसी 2 नंबर्स को लेती हूँ, ग्रुप करके उनको ऐड करती हूँ, फिर उसमें 3rd नंबर ऐड करती हूँ, तो मेरा सम आएगा 45. अगर मैं लास्ट के 2 नंबर्स को ग्रुपिंग कर लेती हूँ और उन दोनों को ऐड करके 3rd नंबर में ऐड करती हूँ, तो भी मेरा सम कितना आएगा, सेम आएगा. यस. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. ओके. आई एम गिविंग यू अ वर्कशीट नाउ, डू प्रैक्टिस इट. यस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.